डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने निकाली भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी के रास्ते चले कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा। डूंगरपुर में निकाल रहे हैं 300 किलोमीटर लंबी यात्रा। जैन समाज वे, ब्राह्मण समाज वे, हत्तन एक हर को की दुए कांग्रेस पार्टी जी ने सभी तरह काम आले ही कांग्रेस पार्टी आले। अना बाद 25 जड़ा तमार फेर बढ़क जाए अशोक गहलोत सभी बढ़क 25 जड़ा फेर बढ़क जाए जेने हो जड़ा थाई जाए 25 जड़ा तमार जॉब कार्ड फेर अलग बनेगा। हो जड़ा थाई जी पंचायत में आवो सरपंच साहब करे सचिव साहब करे मार हो जड़ा थाई गया है मार 25 जड़ा जॉब कार्ड फेर बना 25 जड़ा तमे फेर एक्स्ट्रा काम मिलेगा। यात्रा में दिया जोरदार भाषण। पीएम मोदी पर भी बरसे गणेश घोगरा। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत की खूब की तारीफ। मैंने भी मेरे विधानसभा में राजस्थान सरकार की लोक कल्याणकारी योजना क्या है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने काफ़ी सारी सौगातें दी हैं, उसका प्रचार प्रसार करने की योजनाओं का हर पंचायत में लोगों को बताने के लिए उनको फायदा सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है, धरातल पर वो योजना लागू है या नहीं है, इसमें एक भी पंचायत मेरी नहीं छूटेगी इस पदयात्रा में। अगर बाई चांस कोई छूट भी जाती है उसका 23 तारीख से विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन बाद में भी वापस में पदयात्रा के माध्यम से ही उस पंचायत तक जाऊंगा और आम व्यक्ति की आम जनता की गरीब व्यक्ति की सुनूंगा कि उनकी समस्या क्या है, उनकी समस्याओं का तुरंत अगर ऐसा कोई छोटा मोटी समस्या है उसको तुरंत निस्तारण कराएंगे प्रशासन से और मेरे माध्यम से और किसी भी माध्यम से होती है उसका तत्काल निस्तारण करेंगे और बड़ी समस्या होगी वो सरकार तक। गणेश घोगरा ने इस दौरान लोगों की समस्याएं भी सुनी। बीजेपी और पीएम मोदी पर खूब बरसे गणेश घोगरा। यात्रा देख लोग भी बोले डूंगरपुर के राहुल गांधी बने गणेश घोगरा। डूंगरपुर से यशवंत सोनी की रिपोर्ट।